तो उन्होंने कहा इसमें 5 लाख रुपए रखे हुए हैं, एक लिफाफे में लपटे हुए हैं, और उसमें जो एक बिल साथ में लगा हुआ है। किस चीज का बिल है? तो उनका बत्रा हॉस्पिटल का। कितने का बिल है? 5 लाख का। आप सब लोगों से हमारी एक बार रूबरू मुलाकात हो, ये हमारी इच्छा बहुत पहले से थी, और हमने अपने कई साथियों से कहा, उन्होंने राहुल जी से भी ये बात कम्युनिकेट की, कहा कि हम मिलना चाहते हैं उन लोगों से जो लोग इस समय अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा करके और स्वयं जो कुछ भी उनके पास है उसके तहत में अपनी क्षमता के हिसाब से, क्षमता से आगे बढ़ करके, और आज बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की हमारी जो मुखिया हैं, हम सब की नेता हैं बहन मायती जी, उनकी बातों को लोगों के बीच में पहुंचाने का काम तो कर ही रहे हैं। और जो भ्रांतियां लोगों ने फैला रखी, जो गलत बातें लोग अपना उड़ाने का काम करते हैं, बताने का काम करते हैं, उसको आप लोग सही माने में, हम लोग तो जब मंच पे होते हैं, पार्लियामेंट में हुए, राज्यसभा में बोलने का मौका मिला, मीडिया के सामने मौका मिला, तब ये बात कह पाते हैं। पर आप तो दिन भर बैठे करते रहते हैं, आप तो हम लोगों से बहुत आगे हैं, हम लोग तो कभी कभी उस बात को करने का मौका ही नहीं मिलता, जब मौका मिलता है तो हम लोग करते हैं। लेकिन आपके पास तो वो ताकत आपने खुद अपनी बनाई। आज बहुत अच्छा लगा देख करके, इतने नौजवान साथी हमारे, यंग साथी, और हमारी बेटियों से भी छोटी उम्र की हमारी जो यहाँ महिलाएं हैं, तो उनको देख करके कि किस जुनून के साथ में आप लोग इस काम को कर रहे हैं और लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं और एक ही उद्देश्य से जुड़े हुए हैं, ये देख करके मुझे आज बहुत अच्छा लगा। और मैं ज़रूर यहाँ, कल सुबह ही मुझे वापस जाना, आज मैं आप ही लोगों से मिलने के लिए आया था, और सुबह जा कर के पहला काम जो हमारा होगा जब हम कल बहन मायती जी से मिलेंगे, तो आप सब लोगों की जो बातें हैं, आपने जो अपनी बात रखी है, उसको उनको शब्द बताने का काम करेंगे कि किस तरीके से आप लोग इस मिशन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं, बहुजन समाज पार्टी को एक राजनीतिक पार्टी तो है नहीं, बहुजन समाज पार्टी एक मिशन की पार्टी, और मिशनरी काम के लिए सब लोग लगे हुए हैं। तो उस मिशन में खाली वही लोग नहीं लगे हैं जो लोग की पार्टी का कोई पद लिए हुए हैं या पार्टी के साथ में घूम रहे हैं, मिशन में तो आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। और ख़ास तौर से आजकल के युग में, आजकल जो मीडिया के माध्यम से, जो आज सोशल मीडिया खास तौर से, तो ये तो सबसे बड़ा अस्त्र है जो हम लोगों के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है, जिसको जब देखिए तब, जो ये बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, हमारी नेशनल पार्टी है, हमारी भी नेशनल राजनीतिक पार्टी है, जो 6 नेशनल राजनीतिक पार्टी, उनमें से बहुजन समाज पार्टी भी एक है, गर्व होता है ये कहते हुए भी और सोचते हुए भी। लेकिन जो बाकी राजनीतिक पार्टियां, उनमें हमें एक बड़ा भारी फर्क है। फर्क ये है कि वो तो उद्योगपतियों को पकड़ लेते हैं, उद्योगपति उनको पकड़ लेते हैं, और उसके बाद वो अरबों, लाखों, हजारों, करोड़ों रुपए उनकी जेब में डाल देते हैं, उसके बाद वो अपना उनका बाजा बजाते हैं। और मीडिया में खास तौर से आपने देखा, जितना भी मीडिया है किसी न किसी उद्योगपति के हाथ में, सारा मीडिया ज़्यादातर उद्योगपतियों के हाथ में हो गया, तो उनकी भी तो मजबूरी है, उन्होंने पैसा दिया है पार्टी को, उन पार्टियों को, तो पैसा जब दिया है तो वो अपना काम भी कराते हैं। और ये हमारी पार्टी की नेता जो बहन मायती जी हैं, अपने हर भाषण में हमेशा कहती हैं, वो ये कहती हैं कि पैसा तो उनको देने के लिए बहुत से, सभी लोग, पूरे देश के उद्योगपति, हम तो जानते हैं किस तरीके से लोग आगे पीछे घूमते हैं कि आप हमसे, हम ये करना चाहते हैं, हम देना चाहते हैं, लेकिन उसके पीछे छिपा हुआ उद्देश्य क्या है? छिपा हुआ उद्देश्य तो यही होता है कि जब हम पैसा देंगे तो हम पैसा खाली मुफ्त में तो नहीं देंगे, फिर तो हम पैसे के साथ में इशारा भी भेजेंगे, और इशारा यही होगा कि आप हमारे हिसाब से काम करिए, हमारे हिसाब से जब आप पावर में आइए तो हमारी तरह से, हमारे कहने से कानून बनाइए और हमारे हिसाब से राजनीति करिए। इसी पे कॉम्प्रोमाइज़ कभी बहन मायती जी ने नहीं किया। उन्होंने इस चीज़ के लिए अगर कॉम्प्रोमाइज़ किया होता तो मैं तो चश्मदीद गवाह हूँ कि वो फिर अपनी सत्ता छोड़ती नहीं।
उन्होंने जब सत्ता छोड़ी थी 2003 में तो हम तो साथ में थे, हम तो महाधिवक्ता थे उस समय उत्तर प्रदेश के, और मौजूद थे वहाँ पर भी मौजूद थे जब उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा था, जब उनको ये कहा गया कि आप हमारे हिसाब से करिए, उनका ये तो हम नहीं कर सकते, हम अपने मिशन को नहीं छोड़ सकते, हम अपने समाज को नहीं छोड़ सकते, हम उन गरीबों वंचितों शोषितों जिनके लिए हमने पूरा जीवन अपना कुर्बान कर दिया है उनको पीछे छोड़ करके और उसके बाद हम आपके इशारे पे नहीं चल सकते। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अच्छा चलिए हम गठबंधन कर लेते हैं, आप गठबंधन कर लिए, आप 19 सीटों पे लड़ लीजिए, 15 सीटें पहले बोले, फिर बोले 19 सीटों पे लड़ लीजिए, बाकी में हम लड़ लेंगे पार्लियामेंट के। बहन माथी जी ने कहा कि ये तो मैं कर ही नहीं सकती, गठबंधन का तो सवाल ही नहीं उठता कि मैं आपके साथ गठबंधन कर लूँ। उनका आप लोगों को दिक्कत क्या, बोले दिक्कत ये है कि आप हमारी तो हमारे हिसाब से आप नहीं चलती हैं, आपका हर काम जो होता है वो जो आपकी सोच के हिसाब से, जो आप सोचती हैं उसी हिसाब से होता है, इसलिए हमको दिक्कत होती है। तो आप या तो हमारे साथ में गठबंधन करिए, या तो हमारी बातों मानिए, या हमारे इशारे पे चलिए, और नहीं तो फिर नहीं तो जब वर्ड उन्होंने सुना, मैं तो वहीं चार ही पांच लोग थे, उनके नाम नहीं लूंगा उन लोगों के, मैं मौजूद था, मैं भी था, नहीं तो मैं तो फिर बहन मायती जी से कोई इस तरह की बात नहीं तो करके कोशिश करे तो वो शायद यही सबसे बड़ी गलती भूल जाएगा कि किससे बात कर रहा है। तो उनके सामने ये इस तरह के शब्द, कोई जिसमें हल्की सी भी धमकी नज़र आ रही हो तो वो तो बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं तो क्या, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं देखिए बहुत से मामले हैं, ताज कॉरिडोर है और ये है वो है, और फिर वो आप जानती हैं, फिर वो सीबीआई फलाना जाओ, इतना कहना था कि वो वहाँ से उठी। उन्होंने कहा कि उसके बाद वो चल दी मीटिंग से, उसके बाद उन्होंने जा करके अपनी सत्ता अपनी गद्दी को एक सेकंड नहीं लिया और छोड़ने का, उनका आप मैं खुद ही गद्दी छोड़ देती हूँ। वो बोले आप सही समझते हैं, आप छोड़ने की बात कर रही हैं, हम मुलायम सिंह को जो हैं सत्ता में बैठा देंगे। उन्होंने कहा आप मुलायम सिंह को बैठा दीजिए या उनके भी किसी और को ला के बैठा दीजिए, लेकिन हम इस तरीके से काम नहीं कर सकते। और उन्होंने जा करके आप सब लोगों को मालूम है कि सितंबर के महीने में उन्होंने इस्तीफा दिया और गद्दी छोड़ने का काम किया। उसके बाद क्या हुआ वो भी आप लोगों को सब अच्छी तरीके से मालूम है। वो लोग उन्होंने जो धमकी दी थी वो कोरी धमकी तो नहीं थी, ये उनको भी मालूम था, हम लोगों को मालूम था, बहन मायती जी को भी मालूम था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि हम दबाव की राजनीति में नहीं आ सकते हैं, जानते हैं कि ये कुछ ना कुछ करेंगे। और उसके बाद ये भी आप लोगों को मालूम है कि खाली उनके घर में ही नहीं, पूरे 9 जगह पूरे नातेदार रिश्तेदारों सबके यहाँ, और लखनऊ के घर में, दिल्ली के घर में, हर जगह एक साथ सीबीआई की रेड करी थी उन्होंने। और सीबीआई की रेड करने के बाद कोशिश की, हम तो वहीं मौजूद थे, हम तो सामने सामने खड़े थे, तो जब दिल्ली में यहाँ पर रेड की तो उन्होंने कहा कि बाहर निकल के पूछा अपने, अब वो लोग पूरा एक एक चीज़ मतलब इस तरह की कि हम तो चूंकि थे इसलिए मालूम, यहाँ तक कि जाके कूड़ेदान को भी ढूंढने का काम करो शायद इसमें कुछ मिल जाए। जब उनको पूरे एक दूसरे से बात करते करते थक गए देखने के बाद, और सबसे पूछे कहीं कुछ मिला कहीं कुछ मिला, तो जब हर जगह ये आया कि कहीं कुछ नहीं मिला, कहीं कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, तो क्या करें। तो आपस में फिर कंसल्टेशन होने लगा कि ये तो बहुत बेइज्जती की बात हो जाएगी हम लोगों की, पूरे देश में आएगा कि आपने उनके यहाँ 10-10 जगह रेड कर दी, और किस लिए करी अगर कुछ नहीं था। तो तब एक व्यक्ति ने जो हिमायू रोड में 11 हिमायू रोड में जहाँ मानवर काशीराम जी उस समय हॉस्पिटल में थे और बत्रा हॉस्पिटल में थे, उनके उस समय बहुत गंभीर हालत में थे, तबीयत ठीक नहीं थी और ऑक्सीजन पे थे, चढ़ रही थी उनके तो, लेकिन ग्लूकोज चढ़ रहा था। तो उस समय उन्होंने कहा कि आपस बात की, बोले 11 हिमायू रोड में जो दराज है उनके ऑफिस की उसमें से कुछ मिला है, तो कहिए तो इसका इस्तेमाल कर लें दिखने के दिखाने के लिए। उनका क्या मिला बताइए बताइए। तो उन्होंने कहा इसमें 5 लाख रुपए रखे हुए हैं, एक लिफाफे में लटके लपटे हुए हैं, और उसमें जो एक बिल साथ में लगा हुआ है। किस चीज़ का बिल है? तो उनका बत्रा हॉस्पिटल का। कितने का बिल है? 5 लाख का। वो पेमेंट 5 लाख का बैंक से निकाल करके उस दिन बिल के साथ में रखा था, उसको दोपहर के बाद में बत्रा हॉस्पिटल में जाके जमा करना था, और जमा करना था क्योंकि वो उनके जो इलाज चल रहा था उसका पैसा था। तो जब ये बात बताई तो उन्होंने कहा, फिर 10 मिनट तक आपस में बातचीत होती रही, फिर बड़े जो उनके ऊपर के अधिकारी हैं जो भी हों, उन्होंने कहा नहीं नहीं आप वो रुपया उठा लीजिए, कुछ तो कहने के लिए रहेगा मीडिया के सामने।
कि देखिए 5 लाख रुपए मिले हमको, तो लेकिन बहन मायती जी का लिखो, यहाँ लिखोगे तो रुपए कहाँ से मिले, और लिखो ये भी लिखो कि रसीद लपटी हुई तुमको मिली है, और ये किस चीज़ के लिए रुपया था लिखो, और फिर ले जाओ तुम रुपए इसको। और वो ले गए। उसके बाद फिर आप लोगों को ये भी मालूम है कि उन्होंने एक नहीं दो नहीं कितने मुकदमे पूरे परिवार को घेरा, सबको जिनसे कोई मतलब नहीं उनके ऊपर भी मुकदमे, भाई भतीजे बहन सबको 110 मुकदमे दाखिल हुए। 110, आप लोगों को तो पता ही नहीं किसी को, 110 मुकदमे उनके ऊपर हुए। और कहाँ से, इनकम टैक्स से लेकर के जितने भी डिपार्टमेंट और हो सकते हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक उन्होंने पूरी कोशिश की कि उनको हम कैसे घेरें, क्या करें, कैसे कर लें। लेकिन ऊपर वाले की भी कृपा थी हम लोगों के ऊपर, हमारे ऊपर खास तौर से, कि वो 110 के 10 मुकदमे हम ही लड़ रहे थे उनकी तरफ से, और 110 में से 110 मुकदमों में उनको जीत मिली, और एक नया पैसा का भी उनके ऊपर आज के रोज और उस समय से लेकर आज तक एक नए पैसे का भी उनके ऊपर इल्जाम इस बात का कहीं रिकॉर्ड में नहीं है कि ये उनके पास गलत पैसा था। 110 केसेस, जिस तरह से उन्होंने PIL 101 करी थी और गिनीज बुक में पहुंचाया था हम लोगों के खिलाफ 5 साल में, जितने शायद माननीय डॉक्टर कांशीराम जी का स्मारक हो, डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक हो, गौतम बुद्ध पार्क हो, यहाँ का स्मारक हो, रमाबाई अम्बेडकर मैदान हो, हर चीज़ के लिए PIL होती थी। 101 PIL हम लोगों ने, 101 PIL हमने झेली थी। तो लेकिन सब में हम लोग सक्सेसफुल हुए, और सारे आपने देखे स्मारक, आप लोग खुद देख चुके होंगे, रोक नहीं पाए वो, आज सब के सब बन करके खड़े हुए तैयार हैं। बहन मायती जी उस संघर्ष से निकली हैं, जो संघर्ष उन्होंने पहले किया वो अलग है, और जिस समय उन्होंने बैंक से ये पैसा 5 लाख रुपया जो उनके पास था उठा के ले गए, तो बैंक सीज किया था, बैंक के सारे अकाउंट सीज कर दिए थे, जबकि उनको ये मालूम था कि बैंकों में जो रुपया था वो तो बैंक में रिकॉर्ड में है, और उनकी सैलरी उनका उसका वो पैसा, एक एक पैसे का हिसाब, वही तो बाद में सुप्रीम कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आखिर में, जो आखिरी मुकदमा हमने वहाँ से लड़ा, उन्होंने कहा कि ये कैसी FIR थी, किस तरह की FIR थी, ये किस लिए की गई, जब एक एक चीज़ बिल्कुल सामने, अक्षर पैसे एक एक सामने लिखा हुआ है, और उसमें आपने इतने मुकदमे कर दिए। लेकिन कर दिए, क्योंकि हमको परेशान करना था, तंग करना था, वो तो सोचते थे इसके बाद हम इनको बर्बाद कर देंगे, मानवर काशीराम जी बीमार हैं, ये कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे मिशन को आगे बढ़ाएंगे, उद्देश्य तो सिर्फ यही था पीछे मन में,